ऐसे महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज भारतीय पंचांग तिथि के अनुसार पावन जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित किसान गोष्ठी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और भारत की कला को जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से एक वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी और ब्रज क्षेत्र के प्रति जिनका विशेष अनुराग है, ऐसी सम्माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, अध्यक्ष गौद्योग केंद्र महेश चंद गुप्ता जी, अध्यक्ष स्मारक समिति श्री मधुसूदन दादू जी, अध्यक्ष मेला समिति श्री सोहनलाल जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, प्रगतिशील किसान श्री दीपचंद जी, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय महेंद्र जी, प्रांत प्रचारक और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पैतृक भूमि फरहा में आयोजित उनकी पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस मेले में मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, भारत माता के इस महान सपूत के चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार 25 सितंबर की तिथि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन जब हम पंचांग की तिथि के अनुसार जाते हैं तो अश्विन कृष्ण त्रयोदशी जो कल पड़ेगी, लेकिन दो दिवसीय मेले के उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ जिन लोगों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना जीवन जिया था, जिनके उत्थान के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था, उस भारत और भारतीयता के लिए अपने पसीने से, अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले अन्नदाता किसानों के सम्मान की दृष्टि से यह कार्यक्रम स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं इसके लिए स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस धरा को नमन करता हूं जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष को अपनी धरा पर जन्म लेने का एक अवसर दिया। वैसे भी हमारी ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुषों को, समाज और राष्ट्र को प्रदान करने वाली भूमि है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इसी ब्रजभूमि में आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी संपूर्ण लीला के साथ अपना अवतरण दिया था। आज भी उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई जो उपदेश थे वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे।
भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ब्रजभूमि में तो रज रज में कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई है, देश और दुनिया यहां आती है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से जहां डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती है, वहीं ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जिस विचार प्रवाह के साथ हम जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, भारत को भारतीयता की भावना के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके प्रेरक पुरुष एक ऐसे महापुरुष की पावन जयंती का जिसकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इस फरहा गांव को है, उनके इस पावन जयंती कार्यक्रम में इन किसान बंधुओं के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को खाद्यान्न के रूप में न केवल अपने नागरिकों को दुनिया की लोकतांत्रिक रूप से जीने वाली इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बल्कि भारत की धरती की इन संभावनाओं को अपनी मेहनत से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न को हम दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सकें, उन सभी अन्नदाता किसान भाई और बहनों के साथ आज संवाद बनाने का एक कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा ही बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए, यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए, और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है, और यही तो किया है। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक ओर यह कार्य, दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ओर जहां युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
उसी का एक उदाहरण है। वह कार्यक्रम भी अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होने जा रहा है और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक माध्यम बनने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत का यह जुड़ाव उसी सपने को साकार करने के लिए है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था। अन्नदाता किसानों के लिए याद करिए, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण की बात तो करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आजादी के बाद कभी नहीं हो पाई। पहली बार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हुई कि जिस धरती माता से, जिस धरती को हम मां कहते हैं, उस धरती माता के स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना चाहिए और सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके माध्यम से भी किसानों को जोड़ने का प्रयास हुआ। अगर खड़ी फसल किसी आपदा की चपेट में आ जाए तो उस किसान को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है, एक बड़ी संख्या है। और याद करिए, उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहला कार्य सरकार ने किया था, डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला कार्य किया था लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। यह उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे, उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। MSP लागत का 1.5 गुना दाम मिले, आजादी के बाद पहली बार यह प्रभावी ढंग से लागू हो पाया, तो हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान बना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 किसान अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे DBT के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। साल भर में हर किसान के खाते में 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में उनके खाते में स्वतः पहुंच रही है। एक प्रक्रिया, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और यही तो बात कही थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि आर्थिक समृद्धि का मापन आर्थिक रूप से समृद्धि की ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए एक व्यक्ति से की जानी चाहिए। और भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने माध्यम बनाया, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के उस वंचित तबके को जो अब तक योजनाओं से किन्हीं कारणों से वंचित था। भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति हम इस पूरे पक्ष में पितरों के प्रति तर्पण का कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं, दुनिया के अंदर अन्यत्र ये देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन सनातन धर्म की परंपरा में होता है कि हम इस पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन्हें तर्पण देते हैं। इसका माध्यम कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करना और उसको व्यवहारिक धरातल पर उतार करके उनके सपनों को साकार करना, यह भी कृतज्ञता का एक सशक्त माध्यम है। और आज डबल इंजन की सरकार उसी कृतज्ञता को ज्ञापन करने का एक माध्यम इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं,
अब तक 2,17,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जहां भुगतान हुआ है, वहीं इसी मथुरा जनपद में छाता चीनी मिल के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया और अभी आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सभी इन किसानों के लिए जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं यहां पर, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इससे पहले भी कई बार दीनदयाल धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहां पर देखा है। आज भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ, देख करके कैसे हम एक अधिक यानी जमी कैसे हम लोग गांव को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण दीनदयाल धाम है। आप वहां पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में किसान बंधु आए हैं, आप देखिए कैसे वर्कशॉप चलते हैं, आयुर्वेद की दवाओं को, गौ आधारित कृषि को, गौ से बनने वाले, गौमय से बनने वाले तमाम प्रकार की औषधियों से, औषधियों का निर्माण कैसे होता है, यहां की वर्कशॉप को थोड़ा जाकर के देखिए किस तरीके से यहां पे कार्य हो रहा है और कितनी उत्तम क्वालिटी की आयुर्वेद की, आयुष की दवाओं को यहां उत्पादन हो रहा है। यह एक उदाहरण यह धाम यहां पे प्रस्तुत कर रहा है। तो गौ अनुसंधान केंद्र को एक नए सिरे से प्रस्तुत करके गौ माता के प्रति जो भारत की सनातन परंपरा रही है, एक ओर हम गौ को मां कहते हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया है इस धाम ने कि नहीं, अगर गौ माता है और भारतीय परंपरा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गौ, अगर सभी देवी देवताओं का निवास इस गौ माता में है तो इसके संरक्षण का कार्य भी और इसके संवर्धन का दायित्व भी हम उठाएंगे और इसके लिए अनुसंधान केंद्र खोल करके नस्ल को सुधार के साथ साथ गौ माता के एक एक उत्पाद से कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं समाज को और उसके माध्यम से हर किसान को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस कार्यक्रम का दायित्व भी इन्होंने लिया है। और मैं चाहूंगा कि इस धाम को इसके लिए एक बार जो यहां पे दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के साथ भी MOU करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो यह कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पे आया सुबह तो मेरे सामने अनेक प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव यह भी आया कि यहां के युवाओं को आर्मी में, पुलिस में भर्ती करने के लिए एक नए प्रयास किए जाने चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ तय किए हैं, हर गांव में खेल का मैदान हो, ग्राम प्रधान निधि के पैसे का उपयोग, प्राथमिकताएं तय की गई, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सरकार के स्तर पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं, खेलकूद की गतिविधियों को हम तेजी से आगे बढ़ा सकें,
वैश्विक मंच पर आज खेलकूद की प्रतियोगिताएं उस देश की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। अभी एशियन गेम में आपने देखा होगा, गत एशियन गेम में भारत ने केवल 70 मेडल जीते थे और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोत्साहन दिया खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम इस रूप में है, इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया और इसमें भी प्रसन्नता इस बात की कि भारत की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है लेकिन मेडल जीते उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25%। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम फरौ में बने, इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ एक समन्वय करते हुए ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इनको एक मार्केट भी मिलेगा और एक मंच भी मिल पाएगा। इस व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है आज यहां पर मैंने देखा है कितनी बड़ी संख्या में बहनें यहां पर सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपके आगरा में फ्लेटेड फैक्ट्री बन रही है, रेडीमेड गारमेंट का एक महत्वपूर्ण हम पड़ाव बना सकते हैं। हमारी आधी आबादी ऐसी है जिसको हाथ के लिए कार्य की आवश्यकता है और उनको उचित प्रशिक्षण अगर हम दे दें, तकनीक दे दें, कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का एक सबसे बड़ा अड्डा बनेगा, सबसे बड़ा केंद्र बनेगा और दुनिया के अंदर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में मदद दे पाएंगे। इस दिशा में जो प्रयास यहां धाम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा है वह अभिनंदनीय है। उन कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में भी हम सबको मिलकर के एक प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, आज आपने देखा होगा कि भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, अनेक उपलब्धियां भारत के साथ जुड़ती जा रही हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीते, उससे पहले नारी बंधन अधिनियम भी पारित हुआ है भारत की संसद से। भारत की संसद में विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, नारी शक्ति के लिए आरक्षित हों, यह देश की संसद ने इस प्रकार का अधिनियम पारित किया है और यह प्रभावी ढंग से लागू हो सके इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि इसके माध्यम से नारी गरिमा का सम्मान उन्होंने पहले भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए, 12 करोड़ से अधिक घरों में एक एक टॉयलेट बन गया, पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से घरौनी वितरण में लोगों को जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का स्वामित्व भी मिल गया और इनमें ज्यादातर स्वामित्व महिलाओं को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश में मिला है, प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे रहे हैं,
ये ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो रचनात्मकता को तो आगे बढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और बात जो हम सबके सामने है, सामान्य दिनों में लोग घोषणा करते हैं, आपने देखा होगा 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है, चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्ष से लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है, मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और आज उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट आया था कोरोना कालखंड, जब कोरोना ने दस्तक दी थी ऐसा लगता था जैसे मानवीय सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में देश की लीडरशिप की ओर से प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व दिया था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप लॉकडाउन के बावजूद उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था जो उसके सामने तात्कालिक रूप से आ रही थी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी आज भी चल रही है, आज भी व्यवस्था सबको प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, वैक्सीन भी फ्री में, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में मिली और दुनिया के अंदर भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया, दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाया है। यह भारत के नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और नए भारत के सामर्थ्य के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कृपा उनका आशीर्वाद है, बांके बिहारी की कृपा है, राधे रानी का आशीर्वाद है हम सबके साथ में, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है, हमें सफलता अवश्य प्राप्त होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने हैं, जो उनके संकल्प हैं, इन सपनों और संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृतियों को नमन करता हूं, उनकी इस पैतृक भूमि को जहां पर उनके पूर्वजों ने जन्म लेकर के अपनी पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस धरा को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के पंडित जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।